हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम देखे थे कैसे डाटाबेस को कनेक्ट करना है हमारे प्रोजेक्ट में। इस वीडियो में हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स? मॉडल बेसिकली एक जो डाटाबेस है हमारा MongoDB का, उसका एक इंस्टेंस होता है। जब भी हम कुछ रीड करेंगे, क्रिएट करेंगे डाटा, उस मॉडल के थ्रू सारे ऑपरेशन करेंगे। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पे हम एक फोल्डर ले लेते हैं मॉडल, जो हाँ सारे मॉडल यहाँ पे रखेंगे तो हमारे एक ही मॉडल में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो सारे मॉडल क्लास यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। देन हम मोंगोज को इंसर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि मोंगो ये जो मॉडल है वो MongoDB का एक इंस्टेंस होता है। तो यहाँ पर मैं मोंगोज लिख देता हूँ, इम्पोर्ट कर लेता हूँ, रिक्वायर मोंगोज। देन यहाँ पे मैं एक कॉन्स्टेंट पे स्टोर कर लेता हूँ वो जो स्कीमा हम बनाएंगे, स्टूडेंट स्कीमा। स्कीमा स्कीमा क्या होता है कि जो सारे जो मतलब जो जो डाटा होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि SQL में जो टेबल होता है ना, वो उसके जो रिकॉर्ड्स होता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो ये भी एक स्कीमा होता है। तो वैसे वेरिएबल का नाम स्कीमा ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। डॉट स्कीमा, एक स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। गलत बोल देता हूँ। देन आप स्कीमा के अंदर जैसे कि मैं बोल रहा कुछ एट्रीब्यूट्स जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट का नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम, उसका टाइप दे देता हूँ। आप जैसे SQL पे सेव किए होंगे, अगर आप PHP वगैरह किए होंगे तो यहाँ पे जो है इंटीजर भार कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। देन ले लेता हूँ रिक्वायर, क्योंकि मुझे ये रिक्वायर चाहिए। और अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो हमको MongoDB सर्वर हमको एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोन ले लेते हैं, फोन का टाइप भी उनसे हम स्ट्रिंग रख लेते हैं। देन और एक एट्रीब्यूट है उसका मैक्स लेंथ, ठीक है। मैक्स लेंथ मीन्स कितने उसका लेंथ कितना आप रखना चाहते हैं। मैं इसका 12 रखता हूँ और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, अगर 12 नहीं हुआ तो आएगा फ़ोन नंबर, अगर 12 नंबर से कम होगा तो आएगा फोन नंबर कैन नॉट बी, सॉरी अगर 12 से ज़्यादा होगा तो फोन नंबर कैन नॉट बी मोर देन 12, ये एरर शो करेगा। देन हम लेंगे जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है कॉलेज का, उसका टाइप दे देता हूँ मैं स्ट्रिंग, और जैसे उसका जेंडर उसको भी मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग में, और जैसे कि एड्रेस उसका होगा उसको भी मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग में, और क्या इतना ही हम रख लेते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हम ये स्कीमा को हम ये जो मॉडल है हम बार बार यूज़ करेंगे ऑपरेशन करने के लिए, क्रॉड ऑपरेशन के लिए। फिर मैं यहाँ पे मॉड्यूलर एक्सपोर्ट स्टूडेंट पे रख लेता हूँ मोंगोज डॉट, यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना है। ये जो मोंगोज डॉट मॉडल मेथड यूज करके यहाँ पे मॉडल का नेम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट, डाटाबेस में शो करेगा डॉट स्टूडेंट स्कीमा, जो स्कीमा हम यहाँ पे स्टोर किए थे यहाँ पे डाल दिए स्टूडेंट नाम पे, वो डाटाबेस में शो करेगा, ठीक है। तो हमारा स्कीमा रेडी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो बेस वर्क जो कि हम इंतजार किए हुए हैं, जो डाटा को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलता हूँ, बाय।